तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर देखा और मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने आज एक ट्रेलर देखा यार, जिसने मुझे एक दफा हिला दिया। वो एक एनिमे मूवी होने वाली है जिसका नाम है ग्लास वर्कर, और ये एक पाकिस्तानी मूवी है, पाकिस्तान की पहली एनिमे मूवी। यार मैं एक दफा देख के हैरान हो गया कि एक मिनट, मुझे दोबारा चेक करना पड़ा कि क्या ये पाकिस्तानी मूवी है। इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का एनिमेशन का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। इतनी ब्यूटीफुल मूवी उन्होंने बनाई कैसे, मैं तो भैया इनके डायरेक्टर और जिन्होंने ये मूवी बनाई है उस्मान रियाज से हैरान हूँ। उनकी स्टोरी सिंपली ऐसे है कि वो बचपन से एनिमेशन के बहुत बड़े फैन थे और वो पाकिस्तान के अंदर एक एनिमेशन स्टूडियो बनता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान में कोई चीज को बनाने का कहा जाए तो वो 100 साल बाद जाके बनती है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने खुद का अपना एक स्टूडियो बनाया और उन्होंने उसके अंदर 2014 से इस मूवी को डेवलप करना शुरू किया, और अब 2024 के अंदर जाके मूवी रिलीज हो रही है। 10 साल का डेडिकेशन, आप सोच सकते हैं कि उनको एनिमेशन से कितना ज्यादा लगाव होगा। और मैं सिर्फ उसकी एनिमेशन देख के हैरान हूँ, इतनी खूबसूरत एनिमेशन। ऐसी एनिमेशन हमें जापान की गिबली स्टूडियो की एनिमेशन देखने को मिलती है, और आपको पता है कि ये पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेशन है। हमें पता है कि जो डिज्नी है उसकी पुरानी मूवीज हैंड ड्रॉन एनिमेशन की होती थी, लेकिन अब डिज्नी ने भी हैंड ड्रॉन एनिमेशन बनाने छोड़ दिया। अब डिज्नी हैंड ड्रॉन एनिमेशन नहीं बनाता, ज्यादा कंप्यूटराइज एनिमेशन होती है, लेकिन सिर्फ एक जापानीज गिबली स्टूडियो बनाता है हैंड ड्रॉन एनिमेशन, और अब ये पाकिस्तान स्टूडियो जो के बना रहा है। मुझे ये देख के इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। लेकिन इसके ट्रेलर पे भी इतने ज्यादा व्यूज नहीं है, यहाँ पे लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे मूवी रिलीज होने में 4 दिन रह गए हैं और मुझे अब पता लगा है इतनी कमाल की मूवी के बारे में। यार मुझे बुरा लग रहा है, मैं सिर्फ इंग्लिश मूवीज को तो नहीं ना सपोर्ट करूंगा कि वहीं से व्यूज आते हैं, मुझे पता है मेरे वैसे भी व्यूज नहीं आते, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज बनेगी तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना सोचे उस्मान रियाज एक पर्सन जो कि 10 सालों में एक मूवी बना रहा है, और अगर उसको कोई पर्सन देखने ही ना जाए, उसकी आर्ट की कोई कदर ना करे, यार ये तो बहुत बुरी बात होगी। और मैं हैरान हूँ कि कोई पाकिस्तानी बड़े क्रिएटर इसको सपोर्ट नहीं दिखा रहे। मुझे वैसे किसी भी थोपना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक अभी जितना हो सके लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। अब 2-3 दिन रह गए मूवी रिलीज होने में, तो मैं भी मैं शायद मूवी ना देख पाऊँ, लेकिन जो हो सकता है इस मूवी को देखे और उसको प्यार दे, ताकि पाकिस्तान की जो आगे एनिमे इंडस्ट्री है या एनिमेशन इंडस्ट्री है वो अच्छी हो। अब मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि हाँ ये एक पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवी है, और कसम से यार मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं अब आपको चाहता हूँ कि आप इसको जितना अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं करें, पाकिस्तान के अंदर कुछ तो अच्छा हो रहा है। ये बंदा उस्मान रियाज है, मुझे इस पे उम्मीदें हैं, ये हमारा एनिमेशन का फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकता है। सो अब मैं वैसे कैप्टन अमेरिका पे वीडियो बना रहा हूँ, सो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।